नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज 21 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो सब उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 100% सही क्वेश्चन हैं और ये सही पूछे गए हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन। तो हम दिखाते हैं आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज 21 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उनको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद मैं मैथ के बताऊंगा किस कौन सी प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था 5 लाख। तो इसलिए आप राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोलकुंडा का किला किस वंश ने बनवाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था काकतीय वंश ने बनवाया था। ये हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से पूछा गया था, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर था वो था 368। तो संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी का सत्याग्रह से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसका पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, इसलिए इसका जो आंसर है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे ही इसका सही क्वेश्चन मिलेगा, तो आप ये ध्यान रखना कि गांधी जी के सत्याग्रह संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ से भी पढ़ें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, करंट में स्वच्छ भारत अभियान किसकी जन्म तिथि से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को ये स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 26 जनवरी 1950 अधिनियम किससे संबंधित है? तो ऐसे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके का, तो उसका थोड़ा क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रवण बेल गोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हासन जिले में श्रवण बेल गोला है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से पूछा गया था, जिसका अंत ना हो, तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल अनंत। और नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, उज्ज्वल का विलोम शब्द पूछा गया था, इसका विलोम पूछा गया था। उसके बाद में रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, तो 161, 151, 189, 157 में से भिन्न बताना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में। तो इसका जो सही आंसर था वो था 189, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूती चंद किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एथलेटिक, दूती चंद है वो रेस से संबंधित है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कतर में, कतर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, हम बताते हैं मैथ में कौन से प्रश्नावली से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत में से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। औसत की एवरेज की बात करते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसमें से 1 क्वेश्चन, और CI और SI में से एक एक क्वेश्चन, एज में से 1 क्वेश्चन, और ट्रेन से 1 क्वेश्चन, और रेसो से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और समय काम मजदूरी से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सरलीकरण से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज 21 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ये पूरा पूरा पेपर है, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो पूरे क्वेश्चन है वो बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ऊपर, ये ऊपर 21 जनवरी लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 21 जनवरी का नहीं है, ये जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी का है।